एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। क्या वन टू क्यों बोले? नहीं, वन टू नहीं। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और आज हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। मिस्टर खान नहा भी लिए हैं और अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। और नाश्ते में आज बनी है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए, नाश्ते में बना है रोटी और इसमें से मिस्टर खान खा चुके, खा रहे थे वो, और आलू भिंडी की भुजिया और चाय। और उधर अधू लटक रहा है, आहद अभी जगा हुआ है क्योंकि इतनी जल्दी इसको जगने की आदत नहीं, गर्मी की छुट्टी हुई तो आहद का आदत थोड़ा सा बिगड़ गया। रूटीन उसका थोड़ा लेट उठता है तो आज जल्दी उठ गया है, तो फिर इसलिए वो सुस्ता रहा है। उसको ब्रश भी करा दी फिर भी अभी तक वो सुस्ता रहा। तब चलिए हम लोग अभी नाश्ता कर लेते हैं और अभी जाना है हॉस्पिटल, हम लोग को निकलना है और जल्दी से। अभी 9 बज रहे हैं ना? हाँ, अभी हमारे पास 1 घंटा और टाइम है, जल्दी से नाश्ता करके हम लोग जल्दी से रेडी हो जाते हैं और फिर आपको मिलते हैं हम लोग हॉस्पिटल में। अभी हम लोग हॉस्पिटल में आ चुके हैं और अभी हम लोग बैठे हैं और केबिन के बाहर हम लोग बैठे हुए हैं। मिस्टर खान अंदर गए हुए हैं तो देखिए अभी बाहर आते हैं तो क्या बोलते हैं डॉक्टर। वैसे तुम भी फ्रेंड भी एक साथ गए हुए हैं तो अगर तुम बाहर बैठ जाओ। हम बाहर ही बैठ गए क्योंकि साथ में अद्दू भी है। अद्दू बाहर तो नहीं, हम लोग तो हम लोग वो उसके बाहर है ना, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से, आराम से है नहीं बैठे हैं क्या? बैठे हैं ना। मिस्टर खान डॉक्टर के पास से आ गए हैं और डॉक्टर के लिए 15 दिन के लिए और आपको ठीक है ना? हाँ, 15 दिन के लिए और अनफिट कर दिया है, कहकर 28 को फिर से आइए सुबह में बताते हैं। और इधर बैठा हुआ अद्दू, हाय तो कर दो, हाय कर अद्दू, कैसे शर्मा रहे हो? और मैं अभी हॉस्पिटल से बाहर आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ मेडिकल पे कि कोई डॉक्टर ने मिस्टर खान को कोई थेरा बैंड लिखा हुआ है, येलो कलर का होता है, देखते हैं सामने वाले मेडिकल पे मिलता है कि नहीं, क्योंकि इससे भी उनको थेरेपी करना हुआ तो मैं बोलूँ अभी वो थेरेपी रूम में ही है, तो मैं बोली कि मैं बैंड लेके आ जाती हूँ, तब तक इससे भी आपकी थेरेपी हो जाएगी, पता चल जाएगा तो थेरेपी कैसे करना है। अगर पॉसिबल हुआ तो वो घर पर करेंगे, नहीं तो फिर वो बैंड से यहीं पर थेरेपी करेंगे। और मैं मेडिकल के पास आ गई हूँ और ले लेती हूँ, पूछ लेती हूँ अंदर जाके कि है कि नहीं। और इस मेडिकल पर मुझे नहीं मिला खुले वाला बैंड, यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है, मिला नहीं मुझे, तो मेरे स्टॉक में ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अभी हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे उसके बाद देखते हैं कोई और मेडिकल में जाके हम लोग टेस्ट ये करेंगे, चेक करेंगे कि वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। बाहर बहुत धूप है, यहाँ जमशेदपुर में इतनी ही गर्मी है मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मैं जा रही हूँ अंदर, खान का वेट चेंज हो रहा है, उनको बेंडिंग और लिफ्टिंग देते तो ये लिफ्टिंग करेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें भैया 1/2 kg का डाल रहे हैं। ये भी 1/2 kg डाल दिए, और शुरू हुई इनकी लिफ्टिंग, करते रहो कंटिन्यू। और अब हम लोग थेरेपी रूम से जा रहे थे एक्सरे कराने के लिए, और इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ तो ये रास्ता बंद था, तो अब मैं दूसरे रास्ते से जा रही हूँ क्योंकि अभी एक्सरे का टाइम हो गया है और 2 बजे बंद हो जाती है और बहुत भीड़ भी हो जाता है, इसलिए पहले ताकि एक्सरसाइज बाद में करेंगे पहले हम लोग एक्सरे करा के आ जाते हैं। और बाहर देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ही गर्मी है। काम चल रहा था, हम लोग दूसरे साइड से आ चुके हैं, निकल चुके हैं, लेकिन हमारा राहत राहत भी आहत, बहुत धूप है आज। मिस्टर खान बैठे हुए वेट कर रहे अपना एक्सरे होने का, जब इनका नंबर आएगा तो ये जाएंगे, अभी 10 सेकंड नंबर है। और यहाँ अद्दू, ओ अद्दू 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 हो गया, हम लोग जा रहे हैं फिर से OPD में, डॉक्टर को एक बार एक्सरे दिखाएंगे और उसके बाद फिर से बचा हुआ थेरेपी जो है उसे करेंगे। हम लोग को थेरेपी छोड़ के इसलिए आना पड़ा क्योंकि 2 बजे यहाँ बंद हो जाता है,
तो डॉक्टर को अभी दिखाना था, तो इसीलिए पहले हमने मिस्टर खाने का पहले हम करा लेते हैं एक्सरे, उसके बाद फिर डॉक्टर को भी दिखा लेंगे, थेरेपी भी हो जाएगी। और आप लोग देख सकते हो बहुत इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, इतना ही उमस है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तेज धूप है। हम लोग मंगाए हैं बड़ा सा लंबा वाला पार्सल, चलिए हम लोग इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, तो बाद में मिलते हैं, बाय। अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर देखते हैं किसके अंदर क्या निकलता है। तो निकालने से खुदा पहाड़ निकली चुहिया आया है। इसमें एक्वेरियम का ट्यूबलाइट दिखा दो। हेलो एवरीवन, और अभी हो गया शाम का टाइम, दोपहर में हम लोग 2-3 बजे तक आए थे और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरी बीपी लो हो गई थी। और फिर हम आते ही नहाए, इतना ज़्यादा बीपी लो हो गया था कि मुझे बस चक्कर ही आ रहा था। तो मिस्टर खान ने कहा कि तुम सो जाओ खाना वाना खा के, मैं शाम में अभी उठी हूँ 6 बजे। तो अपने ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ, और आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।